जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महादेव जी की नगरी काशी में दर्शन और घूमने की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। काशी को हम सभी बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर विश्वविख्यात श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। तो अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने बनारस आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां पर होटल या धर्मशाला आपको कहां पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहां पर कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहां पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो ए टू जेड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो फिर चलिए आज मेरे साथ घूमिए महादेव जी की प्यारी सी नगरी बनारस में। दोस्तों, पूरे ही साल देश और दुनिया से करोड़ों भक्त यहां पर आते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, गोवा, शिमला और मनाली इन सभी जगह को मिला लें, उससे भी ज़्यादा लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है ट्रेन का। यहाँ पर दो प्रमुख स्टेशन हैं, बनारस और वाराणसी रेलवे स्टेशन। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। दोनों ही रेलवे स्टेशन काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिसे आप ई रिक्शा, ऑटो या इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ई रिक्शा और ऑटो में आपसे शेयरिंग में 25 से 30 रुपये का चार्ज करते हैं, वहीं रिजर्व में 100 से 150 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। बात करें बस की तो आसपास के शहरों और राज्यों से आपको यहां तक डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स वाले अपनी बस सर्विस यहां तक चलाते हैं, तो आप बस के माध्यम से भी बहुत ही आराम से यहां पर आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहां पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, जो मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं। बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहां तक आते हैं। कार से आने के लिए आपको यहां पर पार्किंग की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी बहुत से होटल्स में, और साथ ही साथ प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी आपको बनारस में मिल जाती हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस, और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला आपको कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे ही बनारस में कहीं पर भी रुक सकते हैं, बहुत ही वीआईपी होटल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप ऑटो या ई रिक्शे के माध्यम से आ जाइए गदौलिया चौराहे पर, जिसे गिरजाघर चौराहा भी कहते हैं। यहाँ से मंदिर और गंगा घाट मात्र 200 मीटर पर स्थित हैं। इस चौराहे के आसपास आपको बहुत ही अच्छे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। मेन रोड पर होटल्स थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, वहीं अगर आप किसी भी गली में होटल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा और बजट होटल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर धर्मशाला के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं होटल्स के रेट 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं आपका जैसा बजट हो, 5000-10000 तक के बजट में आप यहां पर होटल ले सकते हैं। दोस्तों, ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मंदिर और गंगा घाट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आपको बार बार ऑटो या ई रिक्शे से अपने होटल पर जाना नहीं रहेगा, इससे आपका टाइम और पैसे भी बचेंगे। तो आप इसी लोकेशन पर कहीं पर भी अच्छा सा होटल ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे गंगा जी में स्नान करने। गदौलिया चौराहे से ही दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता जाता है। जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधे गंगा घाट के लिए जाता है। यहाँ पर आप माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं। तो गंगा जी में स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री काशी विश्वनाथ जी में महादेव जी के दर्शन करने। दोस्तों, मंदिर में एंट्री करने के चार प्रमुख गेट हैं। गेट नंबर एक जो ललिता घाट से जाता है, जहां पर कॉरिडोर बना हुआ है, दूसरा विश्वनाथ गली से, और फिर उसके बाद में गदौलिया चौराहे के पास में गेट नंबर 3 और फिर गेट नंबर 4 भी बना हुआ है। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप गेट नंबर 4 से एंट्री करें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम रहता है। वहीं आप मंदिर में शीघ्र और सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो यहां पर सुगम दर्शन काउंटर भी बने हुए हैं, जिसमें 300 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं और आप बहुत ही आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो सुगम दर्शन में भी आपको 1 घंटा तक लग सकता है।
दोस्तों अगर किसी को चलने में परेशानी है या कोई सीनियर सिटीजन है तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर व्हीलचेयर भी ले सकते हैं। गदौलिया चौराहा, गिरजाघर चौराहा और सुगम दर्शन काउंटर के पास से आपको व्हीलचेयर मिल जाएंगी। यहाँ पर 300 से 400 रुपए का चार्ज करते हैं। मंदिर में दर्शन कराने के बाद में आपको फिर से यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं मंदिर में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कोई भी सामान ले जाना अलाउ नहीं है। तो मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर दोनों जगह लॉकर बने हुए हैं। तो आप अगर चाहें तो मंदिर के बाहर भी लॉकर बने हुए हैं, यहाँ पर भी अपना सारा सामान रख सकते हैं। लेकिन इन दुकानों से आपको प्रसाद लेना रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रसाद के रेट बहुत ही ज़्यादा हाईफाई रहते हैं। तो आप नॉर्मल दुकान से प्रसाद और फूल माला ले सकते हैं, फिर आप मंदिर के अंदर बने लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो चलिए फिर लाइन में लगकर महादेव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महादेव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों ऐसे तो नॉर्मली आधे से एक घंटे में आपको दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे भी आपको दर्शन में लग सकते हैं। तो महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं बनारस में हम लोग और कहाँ कहाँ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे काल भैरव जी के दर्शन करने, जो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गेट नंबर 4 के सामने से ही रास्ता जाता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल चले जाइए, या आप यहां पर रिक्शा भी कर सकते हैं। रिक्शा वाले आपसे 50 से 60 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों कहते हैं महादेव जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत ही अलौकिक दरबार है, आप यहां पर दर्शन करने जरूर आइए। तो दोस्तों काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ललिता घाट। अगर आप चाहें तो बनारस की पत्ती पतली कुंज गलियों से होते हुए मात्र 500 मीटर की दूरी को पूरा कर यहां तक आ जाएंगे, या आप मेन रोड से रिक्शे के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं। यहां पर नेपाली मंदिर और पशुपतनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, ये भी यहां के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो यहां पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विशालाक्षी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो माता रानी का बहुत ही पवित्र और अलौकिक दरबार है। मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के बहुत ही अलौकिक और दिव्य रूप के दर्शन करेंगे। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। फिर विशालाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर में दर्शन करने के साथ ही साथ यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई भी बनी हुई है। यहाँ पर आप प्रसाद स्वरूप भोजन जरूर करें, बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों बहुत ही पवित्र रसोई है, आप यहाँ पर भोजन जरूर करें। तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से आ जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर। दोस्तों बनारस को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहते हैं, सभी घाटों की विशेष मान्यताएं भी हैं। अगर आप इन सभी घाटों के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे सस्ता और सरल तरीका है नाव से। आप नाव के माध्यम से इन सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। नाव वाले आपसे शेयरिंग में 100 रुपए का चार्ज करते हैं, करीब 40 से 45 घाट के आपको दर्शन कराते हैं। वहीं आप अगर चाहें अपनी पर्सनल नाव से भी जा सकते हैं, इसमें आपसे 800 से 1000 रुपए का चार्ज करते हैं। अगर आप सभी 84 घाट के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे 1200 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों नौका बिहार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाट हैं जैसे राजा घाट, केदार घाट, हरीशचंद घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचाल घाट, ललिता घाट, मीर घाट और भी बहुत से प्रमुख घाट हैं। आप इन सभी के नाव के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मणिकर्णिका घाट वही घाट है जहाँ पर 24 घंटे दाह संस्कार होता है। इस घाट की बहुत ही विशेष मान्यताएं हैं, तो आप गंगा के इस पावन जल में नौका विहार जरूर करें। दोस्तों शाम को 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती का आयोजन भी होता है। शाम को 5 बजे से ही भीड़ आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग घाट पर बैठ के इस आरती के दर्शन करते हैं और बहुत से लोग नाव पर भी बैठकर सामने से इस आरती के दर्शन करते हैं। तो आप इस आरती में जरूर शामिल होइए, इस आरती का अनुभव बहुत ज़्यादा खास रहता है। इसके अलावा ललिता घाट पर बने कॉरिडोर के नज़ारे शाम को और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शाम को इसके नज़ारे देखते ही बनते हैं, तो आप शाम को इस कॉरिडोर पर घूमने जरूर आइए। साथ ही साथ आप मंदिर परिसर में भी प्रवेश जरूर करें, शाम को मंदिर परिसर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। साथ ही साथ शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे 15-15 मिनट के यहाँ पर लेजर लाइट शो भी होते हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के संपूर्ण इतिहास को बाखूबी से दिखाते हैं। तो शाम को आप ललिता घाट पर जरूर आइए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो इन सभी प्लेसेस पे दर्शन और घूमने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे बनारस में और भी जितने मंदिर हैं उन सभी में दर्शन करने हैं। अगले दिन हम लोग उन मंदिरों में दर्शन करने चलेंगे जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप यहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो बुक कर लीजिए, इसमें आपसे 1000 से 1200 रुपए का चार्ज करते हैं, 7 से 8 मंदिर में दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ सारनाथ को भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे माँ दुर्गा मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही दिव्य और पावन स्थान है, यहाँ पर माता रानी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुंड भी बना हुआ है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने अगले मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और त्रिदेव मंदिर भी स्थापित हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में दोनों ही मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पर भी आपको दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे संकट मोचन मंदिर। ये प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैग ले जाना मना है, तो यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं। आप लॉकर में सारा सामान जमा कर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करें, हनुमान जी के बहुत ही दिव्य और अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही विशाल प्रांगण में ये प्यारा सा मंदिर स्थापित है, यहाँ पर दर्शन कर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे बनारस के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। तो BHU कैंपस में प्रवेश कर अब हम लोग आ जाएंगे मंदिर के पास में। दोस्तों आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना दिव्य भव्य और अलौकिक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश कर महादेव जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ और भी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं, सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंदिर परिसर में ही बहुत ही प्यारा सा पार्क बना हुआ है, आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप अपनी प्यारी प्यारी यहाँ पर फोटोशूट भी करा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए, यहाँ पर दर्शन कर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन मंदिरों के अलावा आप मणि मंदिर, भारत माता मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सारनाथ। सारनाथ में बहुत ही फेमस बुद्ध स्तूप स्थापित है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बुद्ध मंदिर भी बने हुए हैं। आप इन सभी में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन करें, साथ ही साथ अपना कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पर जरूर स्पेंड करें, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों बहुत पवित्र स्थान है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। फिर सारनाथ में दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सर्ववेद महामंदिर धाम में दर्शन करने। कुछ ही समय पहले ये विशाल मंदिर बना है, बहुत ही दिव्य और अलौकिक स्थान है, बहुत ही विशाल प्रांगण में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें, यहाँ पर दर्शन कर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बनारस के ये सभी प्रमुख मंदिर थे, आप अपनी लिस्ट में इन मंदिरों को जरूर शामिल करें, साथ ही साथ आप इन सभी मंदिरों में दर्शन करने जरूर आइए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों बनारस अपने खान पान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आप यहाँ की फेमस टिक्की, कचौड़ी, लस्सी, कुल्फी इन सभी को जरूर ट्राई करें, इनके भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा निराले रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही बड़े और VIP रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं, इसके भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खास रहते हैं। तो बनारस में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों का यहाँ का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे ही साल लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई और जून और साथ ही साथ सावन में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। तो आपके पास में जब भी टाइम हो आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। बात करें कितने दिनों का आपको प्लान बनाना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आपको कम से कम एक नाइट का स्टे यहाँ पर जरूर करना चाहिए। अगर आप बनारस को और भी अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो फिर आप कम से कम 2 नाइट का स्टे यहाँ पर बना सकते हैं, आप इतने समय में बनारस को बहुत ही अच्छे से घूम लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर आप 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 3000 से 3500 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप 2 नाइट का स्टे यहाँ पर बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 3500 से 4000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे।
वहीं दोस्तों अगर आपके पास में बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां पर बहुत ही VIP 5-स्टार होटल भी ले सकते हैं, फिर आप अपने बजट के हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बनारस में दर्शन और घूमने की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।